प्रशासन के निर्देश पर मंडल में 1 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक अनुज मलिक ने बताया कि 1 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है। गेहूं खरीद के लिए 40 केंद्र शुरू कर दिया गया है, इसलिए किसानों से अपील है कि गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री करें, क्योंकि जो कटाई व छटाई का 20 रुपया काटा जाता था वह दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की क्रय केंद्रों पर बिक्री करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक अनुज मलिक ने कहा, हम गेहूं की खरीदारी शुरू हुई है, ऐसे में क्या व्यवस्था है, कितने केंद्र बनाए हैं? इस बार शासन ने 1 मार्च से प्रदेश में गेहूं खरीद आरंभ की गई है। पिछले साल से 125 रुपये न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाया भी गया है और अभी गोरखपुर मंडल में 540 गेहूं खरीद केंद्र हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए हैं। किसानों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार सरकार ने जो 20 रुपये कटाई ये सफाई छनाई का काटा जाता था, इस वर्ष से वो दिया जाएगा किसानों को। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है अपना पंजीकरण कराएं और साथ में इस बार बटाईदार के माध्यम से भी खरीद शासन करवा रहा है, तो जो भी बटाईदार हैं वो भी अपना पंजीयन कराकर धान गेहूं खरीद में प्रतिभाग करें।